प्यार की वो छोटू से, शादी की वो मोनू से, और मोनू फोन पे बात करती है किसी तीसरे से, तीसरे से। तो उसकी जीवन की लीला अपरंपार है। और समाज में कैसे ऐसे लोग सरवाइव करेंगे। आरती का पिताजी का मतलब उम्र कैद की सजा हो गई, जो अपने बाप का नहीं हुआ, वो किसी जो अपने खानदान का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, बहन का नहीं हुआ, बहनोई का नहीं हुआ, वो आपका क्या खाक होगा। बहन वन का घर किसी को छोड़ा नहीं, सबको बर्बाद, पूरा बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो बर्बादी का इससे बेहतर आज हमारे साथ शिवनंदन भारती जी है। आप लोग एक खबर पहले देखे होंगे, आरती और छोटू की प्रेम कहानी वाला, जो कि आरती छोटू को बुलाती है, वहां पे उनका हत्या जाता है, उसके बाद वो जेल में पूरे परिवार आरती का चला जाता है, उसके बाद आते हैं। लेकिन फिर आज एक खबर, बुरा खबर कहें या कुछ कहें, लेकिन आरती का पिताजी का या पूरे परिवार का बताया जा रहा है कि निचली अदालत से मतलब उम्र कैद की सजा हो गई है। और उसके बाद हम बात करते हैं शिवनंदन भारती जी है, क्योंकि सारी केस जो है ना शुरू से यही देख रहे थे, वो सारे मैटर पे बात करेंगे। स्वागत है सर। सब जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा सर, खबर चल रहा है कि आरती के पिताजी पे या पूरे फैमिली पर किस किस लोगों पे मतलब उम्र कैद की सजा हुई है। आपको जानकारी के लिए बता दे कि वो यहाँ से बेल हो जाने के बाद जी वो हमारे संपर्क से निकल गए थे। दरअसल होता क्या है कि वो निचली अदालत में तारीख होता है ट्रायल का जी, तो अररिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत सेशन न्यायालय में, वहाँ एक वकील साहब थे मुजाहिर बाबू जी, जो वहाँ लोकल स्तर पर वो काम को देखते थे निचली अदालत में। परसों हमें खबर मिली जब वो उनको सजा हुआ, तब वो रोते और चीखते चिल्लाते वो जी कॉल किए कि सर आजीवन कारावास हो गया। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि आज से एक डेढ़ महीना पहले आरती के पिताजी हमको कॉल किए थे, मैंने ऐसे ही हालचाल के लिए किया था कॉल। बातचीत के दौरान वो बोले कि सर हमको बचाइएगा, नहीं हम जेल जाना चाहते हैं। हम बोले ऐसा क्या हो गया। तो बहुत ही वो मासूम, मैंने एक कहिए परेशानी में थे और बहुत ही एक मैंने कराह रहे थे अपने टेंशन से, और उन्होंने कहा कि सर अब किस मुंह से हम इस समाज में रहेंगे। बेटी भाग के शादी कर ली, उसी के कुकर्म के वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन वो जिस तरीके का वो आपत्तिजनक वीडियो बनाती है, चंद पैसों के लिए हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और बेटी यदि बाप के सामने नाचे और पूरे समाज में चंद पैसों के लिए अपनी बेटी और बहू को लेके चले, ठीक है वो शादी कर लिया मोनू तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमारे खानदान की लड़की को वो नचा रहा है और नचा के उससे चंद पैसों के लिए जो विभिन्न तरह का जो हरकत करवा रहा है, जो नहीं करना चाहिए इस तरह का काम उससे करवाया जा रहा है। तो जहाँ भी जाते हैं और समाज में कहीं भी जाते हैं तो डर लगता है कि कहीं कोई देख के यदि आपस में हंसता है तो मुझे लगता है कि हमको ही तो देख के नहीं हंस रहा है। एक बाप होने का इससे बड़ा सजा कुछ हो ही नहीं सकता है। और जब बेटियां पैदा होती है तो लोग कहते हैं कि माँ मने मातम मनाया जाता है, तो ऐसे ही बेटी का मिसाल दे के लोग बेटी होने पर मातम मनाता है। हमने तो बेटी को पढ़ाया लिखाया, पूरे आज़ादी दिया, और आज वही बेटी हमको समाज में कहीं भी रहने लायक नहीं रहने दी। तो बोला कि सर बाहर रहेंगे तो आत्महत्या करना पड़ जाएगा, जो परिस्थिति है इस दुनिया से दूर हम कहीं जाना चाहते हैं, तो जेल से बेहतर कहीं नहीं है कि ना वहाँ इस समाज से कोई लेना देना, ना मोबाइल ना टीवी कुछ, हम अलग दुनिया में जाना चाहते हैं और पूरा परिवार। और वो बहुत इसीलिए बोले कि सर हमको कोई डिफेंस में बोलना ही नहीं, अपने आप को बचाने के लिए हम स्वयं चाहते हैं कि जेल चले जाए, बाहरी दुनिया में सर्वाइव करना मुश्किल है। दूसरी बात ये और थी कि वो जो मोनू के जो पिताजी हैं यानी कि छोटू के, उन लोगों का प्रस्ताव था कि आप हमको टोटल जमीन जो है 6 बीघा जमीन आप हमको दे दीजिए। लड़की भी उसमें कह रही थी। अब समझिए कि क्रूरता की पराकाष्ठा पर वो जमीन मांग रही थी अपने पिताजी से कि टोटल चीज आप हमको दे दीजिए, नहीं तो आप लोग को पूरा बर्बाद कर देंगे, ये है वो है विभिन्न तरह का बात। तो ये जो अभी जो वो जेल गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो डिफेंस में अपने के लिए कुछ बोले ही नहीं। जब आदमी अनमनासा जब हो जाता है, और एक बाप के लिए इससे बड़ा अभिशाप हो ही नहीं सकता है। एक बाप होने के नाते जब आप सोचेंगे, जब हम लोग उस जिस दौर के हम लोग हैं उस दौर में, यदि बच्ची भाग जाती है तो बच्ची को कर्म करती है, लेकिन मुड़ी उसका पूरे पिताजी का सर नीचा होता, पगड़ी उसका गिरता है सामाजिक तौर पर, जो स्वाभिमानी लोग हैं। और वो लोग यादव परिवार से आते हैं और वो ग्रामीण कल्चर से आते हैं, तो वो लोग इस चीज को सहन नहीं कर पाए, और इसीलिए वो डिफेंस में जिस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी उन लोगों को, वो नहीं बना पाए। दूसरी, उनके पिताजी भी जानते हैं कि दोषी वो थी लड़की जो है,
आरती ही पूरी साजिश करता है, वो प्यार करती थी छोटू से, इस बीच में उसको मोनू से भी मोहब्बत हो गई थी, तो उस कांटा को हटाने के लिए साजिश करके छोटू का हत्या करवा के मोनू से शादी की थी, वो इसके पिताजी का कहना था। इस चीज को उन्होंने, हमने कहा कि आप मीडिया या अन्य चीजों पर भी ला सकते, बोले कि बेटी यदि अपनी मर्यादा को भूल गई है तो हम पिता होने का मर्यादा को कैसे भूलेंगे, उसका काम यदि उसका इज्जत कहीं बिगड़ रहा होगा तो हम उस पर चादर डालकर उसकी इज्जत को ढकेंगे, पिता होने के नाते हमारा कर्तव्य है। तो बोले कि ऐसे परिस्थिति में उसको जो बोलना है जो करना है करे, लेकिन हमारा संतान है, पिता होने का धर्म तो निभाएंगे ही, तो इस सब चीजों को सहन भी नहीं कर पाएंगे जो परिस्थिति है। तो एक है ना कि होके तेरी दुनिया से मजबूर, मैं दूर चला, मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला, तो ऐसे ही हालात उनके लिए हो गया था कि मजबूर होकर वो लोग जेल का रास्ता ही अपनाए। और इस चूंकि बाहर में जिस तरीके से उसका उपद्रव बढ़ गया था उस लड़की का उपद्रव का, कि आप लोग भी देखते होंगे जिस तरीके से प्रोवोकेशन चिढ़ाना, वीडियो नहीं बना रही थी, वीडियो के आड़ में अपने पिता, और वो बहुत क्रूर टाइप का उसका व्यवहार रहा, अपने भाई बहन बहनोई पूरे परिवार को चंद चीजों के लिए शारीरिक सुख पाने के लिए बलि जिस तरह से चढ़ा देते हैं, तो परिवार की खुशी को बलि चढ़ाकर वो अपने आप को खुश रहना चाह रही थी, तो उसी तरीके से जो है सो ये हुआ। इसी बीच में एक नई प्रोग्रेस ये हुई, 28 तारीख की उसने वीडियो आकर बनाया जिसमें रोते चीखते चिल्लाते बोली कि मोनू हमको मारा, बिल्कुल से। तो लोगों ने उसको बहुत गाली भी दिया कि तुम्हारे साथ यही होना, बद्दुआ भी हुआ। उसी क्रम में फिर उसके बाद वो 30 तारीख को वीडियो बनाती है, अपने बाप को कहती है कि आपको तो हम बर्बाद कर देंगे, आप क्या हमारे सामने बोलिएगा, ये है वो है। तो विभिन्न तरीके से जो है उसके साथ ये हुई। अब जो लोगों के मन में जिज्ञासा है कि क्या वो बाहर निकलेंगे या यूं ही जेल में, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि निचली अदालत से फैसला जो होता है उसको हम लोग यहाँ पर उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट में हम लोग चैलेंज करते हैं उसको, और अनेकों अवसर पर आपने देखा होगा कि 9 लोगों की फांसी की सजा हुई थी आज से 4-5 महीना पहले, और उन 4-5 नहीं 1 साल पहले की, मुझे 1.5 साल पहले की कहानी है, और 9 लोगों को बाइज्जत बरी करवाया गया था न्यायालय, अनेकों लोगों को होता है सजा यहाँ से। तो बेल के मुद्दे पर ये लोग बहुत जल्दी, चूंकि निर्दोष हैं, सबूत है, अच्छे से डिफेंस करेंगे, तो 6 महीना के अंदर फिर ये लोग सभी लोग जेल से बाहर होंगे। अच्छा, कौन कौन लोग अभी जेल के अंदर गए? जितने भी अभियुक्त बनाए गए थे इस केस में सभी लोग चले गए। मैंने आपको बताया कि वो लोग बाहर निकल कर क्या करेंगे, वो इन लोगों का व्यू ये था कि चूंकि ये बाहर में जिस तरीके से देखिए समाज को वो नजर मिलाने के काबिल अपने आप को नहीं समझते, कुकर्म की आरती, लेकिन लज्जित हो रहे हैं उसके खानदान के लोग, पिता भाई बहन बहनोई जो भी है लज्जित की उसके घर की लड़की जिस तरीके से, देखिए कोई प्रोफेशनल वो लोग सिंगर या डांसर या इस तरह का नहीं, वो संत प्रवृत्ति का आदमी, कथा कीर्तन में जाने वाले लोग, और ग्रामीण कल्चर में कहता है कि जान जाई पर इज्जत नहीं जानी चाहिए, तो इज्जत और आबरू को इस तरीके से वो जोर कर देखे, और हालात ऐसे उत्पन्न हो गए थे कि उस समाज में इस तरह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते, फेस नहीं कर पाते, तो ये लोग सामूहिक आत्महत्या करते, इससे बेहतर है कि जेल की तरफ ही वो रुख कर लिए। और समझिए कि जेल जो गए हैं तो ये बाहर माने इन लोगों का अपना समझिए स्वेच्छा ही रहा, क्योंकि बड़ी दर्दनाक कहानी है उन लोगों की, और वो हालात उसमें वो लोग जेल में जाना ही पसंद किए, इसीलिए चले गए। चलिए, तो आरतू छोटू का कहानी आप लोग देखे होंगे तमाम, मतलब कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ था उस टाइम। अभी देखिए रहे हैं कि क्या कुछ कर रही है आरती। अभी उनके पूरे परिवार, आरती के पिताजी मम्मी सभी लोग जेल में गए। तो आप लोग बताइएगा इस खबर को, उस लड़की आरती को, क्योंकि बहुत सारा अभी देखिएगा ना कि बेटी बचाना है, बेटी को पढ़ाना है, तो ऐसे ऐसे बेटियों के बारे में आपकी क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक बेटी के चलते पूरे परिवार, मतलब कि परिवार क्या, मम्मी पापा दादा दादी भाई, मतलब सभी लोग बर्बाद हो गए, जेल का चक्कर अभी तक काट रहे। एक बेटी को पढ़ाया जाता है इसलिए कि बेटी नाम करेगी, लेकिन वही बेटी मतलब कि क्या कुछ नहीं करवाई। आरती छोटू प्रेम कहानी, आरती का तो जीवन बस गया, वो तो मोनू से शादी करके ऐश कर रही है, लेकिन वीडियो बना के बोलती है कि बड़ी मारता है, पीटता है, ये करता है, वो करता है। तो ये है प्यार की वो छोटू से, शादी की वो मोनू से, और फोन पे बात करती है किसी तीसरे से। तो उसकी जीवन की लीला अपरंपार है, और समाज में कैसे ऐसे लोग सर्वाइव करेंगे। तो आप समझ ना कि ये जो अभी जो वर्तमान परिस्थिति में जो हुआ है,
कि हार भी सच्चाई की झूठ की हो गई जीत। तो वर्तमान परिस्थिति में वही है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि बस 6 महीने का इंतजार है, सत्य को मैं हारने नहीं दूंगा और 6 महीना के अंदर मैं सभी लोगों को सलाखों के बाहर निकालूंगा। जैसे मैं पहले भी कहा था, निचली अदालत से जब बेल रिजेक्ट हुआ था तो मैंने टाइम बॉन्ड किया था, 6 महीने लगेंगे प्रक्रिया में, फिर से वही बात कमिटमेंट कर रहा हूँ कि 6 महीना के अंदर में वो जेल से बाहर। लेकिन आप भविष्यवाणी कर देते हो, सत्य हो जाता, क्योंकि हमने कई बार उसमें लॉ पॉइंट में इतने उसमें फॉल्ट है जिस वजह से मैंने कहा उनको बेल मिला। बेल के दौरान कभी भी अपने बेल का मिस यूज नहीं किए, इनको इस दौरान कितना धमकी दिया गया, कितना परेशान किया गया, और डिफेंस में वो बात वहां पर वकील साहब नहीं रख पाए जो रखना चाहिए था, क्योंकि वो सहयोग माने, चूंकि वो बोले अनमना सा तरीके से जब आदमी विचलित होता है तो अपने स्ट्रेटजी नहीं बना पाता है, कोर्ट में तो सबूत चाहिए, तो वो तमाम तरह का चीज है। ये हार सच पूछिए तो या जेल जाना, वो ये मत सोचे कि आरती के पिता गए हैं, समाज के हर वो पिता बिल्कुल सर जो अपनी बेटियों को बहुत उम्मीद से पालते हैं उनका हृदय जरूर कांप रहा है कि इस घटना के बाद, और भले ही अभी उमेश यादव या उनके परिवार के लोग ये गौरवान्वित महसूस करते हों, लेकिन एक चीज का सदैव याद रखना चाहिए कि जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने खानदान का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, बहन का नहीं हुआ, बहनोई का नहीं हुआ, वो आपका क्या खाक होगा। जो यूं ही बात करती रहेगी, उठाती रहेगी, और आप मारते रहिए, पीटते रहिए, और एक दिन ऐसा भी होगा कि आपको भी छोड़ के जेल में फंसा के वो निकल जाएगी। अपनी बहन वन का घर किसी को छोड़ा नहीं, सबको बर्बाद, पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया, वो बर्बादी का इससे बेहतर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन कैसे कैसे कोई सर विश्वास करेगा कि एक बेटी पर, ऐसे ऐसे लोग जो है, ऐसे ऐसे बेटियां रहेगी तो कैसे गर्व करेंगे पिता, एक बताइए। तो इतना होने के बाद भी उसको चाहिए कि केस को खत्म कर ले, तो केस क्यों नहीं खत्म? वो जमीन के लोभ में वो चाह रही थी कि आप टोटल चीज आप हमको लिखवा दीजिए, लिख दीजिए। आदमी बोला सत्य है, सत्य पर हम रहेंगे, हम लोग मारे नहीं, मारी तुम हो, तो तुम उसका हत्या करवाई हो और तुम मोनू से शादी करना चाह रही थी। इस पर भी अनुसंधान एक केस होगा, क्योंकि उनके पिताजी सहमति नहीं दे रहे थे, चूंकि पिता के लिए बड़ा हार्ड हो जाता है इस परिस्थिति में कि बेटी की इज्जत को उछाले कैसे मार्केट में, अपने ही बेटी का इज्जत किसी भी पिता के लिए उछालना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, बेटी बिल्कुल। तो बाप का इज्जत को बहुत बिना कोई सोचे समझे इज्जत को उछाल दी, पर पिता के लिए बेटी का इज्जत उछालना मार्केट में बड़ा मुश्किल है, इसीलिए वो समझे कि खून के आंसू घोटते रह गए और हालात के आगे मजबूर हो गए। चलिए, तो आप लोग क्या सोचते हैं आरती के लिए, आरती की प्रेम कहानी है आरती के बारे में, क्योंकि पूरी परिवार को आरती ने खत्म कर दिया है। अभी मम्मी पापा भाई बहन सभी लोग जेल के अंदर है, तो ऐसे ऐसे बेटी को जन्म लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बेटी पर गर्व मानते हैं, नारा भी सरकार चलाती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, ये नहीं। लेकिन ऐसे बेटियों के बारे में आपकी क्या राय, अपना राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।